पहले तो मैं आज की चाल के संपादक साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दीपावली की कि आपने हमें अपनी स्टूडियो में आमंत्रण किया। और बहुत आवाज की चाल जो समाज में होती है उसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से आपको प्रदर्शित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपावली की। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। और आपने पूछा देशवासियों के लिए, तो मैं इस दीपावली पर के अवसर पर इस स्वर्णिम पल पर दीपावली का त्यौहार जो मनाया जाता है हमारे सनातन धर्म के अनुसार, हर घर में दीपक जलाकर खुशियां आए, राम जी हमारे अंगना पधारे, सुख समृद्धि धन वैभव जस की प्राप्ति हो, सभी की स्वास्थ्य की इस दीपावली के अवसर पर कामना करता हूँ। और सर, आप जैसा कि जानते हैं दीपावली में बच्चे पटाखे जलाते हैं और घायल भी होते हैं, अस्पताल में ऐसे कई केसेस आते हैं दीपावली पे, कहीं किसी का चेहरा दर्द हो जाता है, किसी की आंख में इन्फेक्शन हो जाता है, हाथ की उंगलियों में हो जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। अभी आपने समाज हिंदी प्रिंट मीडिया के माध्यम से पत्रकार तमाम पेपर्स में भी आए, ये जो नालियां जलाकर खुली रहती, नालियों के अंदर मैक्सिम गैस बनता है, बच्चे कम से कम इतना ध्यान दें जहां खुली नालियां वहां पर पटाखे न जलाएं। नगर पंचायत फूलपुर, आप सभी देशवासियों को दीपावली शुभकामना देते हुए बच्चों से अपील करती है कि वो आतिशबाजी अपने को बचाते हुए, अपने स्वास्थ्य को बचाते हुए, या बहुत ही खुशी का त्योहार है, लोग आतिशबाजी कर करके अपने घर परिवार साथ सभी सा परिवार साफ होकर के आतिशबाजी करके इस देश के अंदर सनातन धर्म के अनुसार दीपक जला करके, मैं सभी पुनः बच्चों से अपील करते हुए और सभी देशवासियों की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बच्चे बचे, आतिशबाजी इस तरह से करें जिससे कि उनके शरीर को कोई क्षति ना हो, उनके अच्छे स्वास्थ्य की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नगर पंचायत फूलपुर की तरफ से। धन्यवाद। ठीक सर, बहुत मस्त।